सिंह सलूजा जी, कौन कौन कर रहा है यहाँ पर जो नियम है उनकी अवहेलना या संसदीय मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप खूब हो रहे हैं, आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संसदीय मर्यादा का जितना उन्होंने कत्ल किया है या हत्या कर दी है, कोई दूसरी पार्टी का भी कोई इस तरह का, अभी अगर पूर्व में इंदिरा गांधी को देखें तो इंदिरा गांधी ने भी अगर देश के अंदर इतना बड़ा आपातकाल लाया था, उसके बाद से अगर देखा जाए तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने ये करीबन 33 अध्यादेश संसद के अंदर पेश किए, जब इनके पास सांसद की गिनती पूरी नहीं थी, राज्यसभा में इनके पास गिनती नहीं थी, ये 33 अध्यादेश लेके आए। उस अध्यादेश का विरोध तत्काल प्रभाव से सारी विपक्षी पार्टियों ने किया। आम आदमी पार्टी ने संसद के अंदर जब किसानों के खिलाफ एक कानून, काला कानून लेके आ रहे थे, सांसद संजय सिंह जी ने जब इनका माइक तोड़ दिया, उनको वहां से हटा दिया गया, निष्कासित कर दिया गया कुछ दिनों के लिए, तो ये संसदीय परंपरा इनके हाथ में तो है नहीं, ये तो बचा नहीं पाएंगे। ये जब भी इनसे कुछ पूछा जाता है, ये पूर्व की सरकारों का ही, अभी बात जैसे भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता जी जो बैठे, उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने जो किया अब जनता समझ चुकी है और जनता हम लोगों के साथ खड़ी हुई है। जनता आपके साथ नहीं खड़ी है श्रीमान जी, जनता ने आपको वोट इसलिए नहीं दिया था कि आप संसदीय मर्यादा का कत्ल करेंगे, हत्या करेंगे। जनता ने आपको वोट दिया था कि जनता अपनी जरूरत की जो उनकी चीजें हैं उनको आप उपलब्ध करा के देंगे। आप भारी भरकम वादों के साथ आए थे, भारी भरकम वादों के साथ आने के बाद उन वादों को आप पूरा नहीं कर पाए। अब हत्या पे हत्या किए जा रहे हैं लगातार। आपने अगर पहली बार अगर आप देख लें, उन्नाव का मामला ले लीजिए, चाहे बुलंदशहर का मामला ले लीजिए, मुजफ्फरनगर का मामला ले लीजिए, अभी लखीमपुर का मामला ले लीजिए, हर मामले में इन्होंने संसदीय जो मर्यादा उसका कत्ल करने का काम किया है।